धन्यवाद भाई। हरे हरे नर्मदे हर। सीमा दीदी आपने बहुत अच्छा अलग अलग विषय में विचार बहुत अच्छे प्रस्तुत किए, उसके लिए धन्यवाद। अभी यहाँ अपने को समय का ये है करके, नहीं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने बात बताई परिक्रमा करते समय की, बहुत अच्छी लगी। जी मैं एक शब्द कहना चाहती थी, अगर आपका एक शब्द कहना चाहती थी मैं, अगर आप उचित समझे तो बोलिए। मैं ये एक अनुरोध करना चाहती थी कि जब भी कोई साधक घर से माँ की परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो वो जो हमारी यूनिफॉर्म है वाइट यूनिफॉर्म, उसके साथ में एक मौन वस्त्र भी हो जो साधक के मुख पर बंधा रहे तो वो, और उस पर लिखा हो कि मौन वस्त्र, क्योंकि हम जब मौन लेके निकलते हैं तो हम अपेक्षाओं को घर छोड़ के जाते हैं और हमारी जो साधना है हमारा मोटिव वो ही रहेगा, तो वो मौन वस्त्र इतनी सहायता करेगा कि हम जब बोलेंगे या किसी भी चीज की आलोचना करेंगे या किसी भी चीज के लिए कोई विरोध एक क्षण का करेंगे तो वो हमको रोकेगा कि हम साधना के लिए निकले हैं, ये मौन इस पे लिखा है मौन वस्त्र। तो जो हम जैसे जैन साधु बांधते हैं वैसे एक मौन वस्त्र आपके किशोर दादा पॉइंट भी नोटेड, हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैन साधु के मुंह पर बांधते हैं ना, एक जैन साधु मुंह पर मास्क की जैसा वैसा एक हो और उसपे लिखा हो मौन वस्त्र, तो हमारी अपेक्षा है क्योंकि जीवन तो एक्चुअली जो जीवन है हमारा एक ऐसा है कि एक बार नर्मदा खंड में जाने के बाद नर्मदा जी जो करेगी सो करेगी, मेरा सीमा दीदी का हमेशा यही होता है, तो हमारे नियम वहां नहीं चलेंगे। हाँ। मैं मेरे घर का राजा हूँ, लेकिन एक बार मैं बाहर निकला तो जो समाज में है वो समाज के अनुकूल मैंने रहना चाहिए, और जब एक बार मैं नर्मदा खंड में गया तो नर्मदा खंड में जब तक मैं मुझे खुद को नहीं भूलूंगा तब तक मैं परिक्रमा नहीं कर सकता, क्योंकि परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य खुद को भूलना है, मुझे मुझसे बात करनी आनी चाहिए। दीदी का और मेरा जो हमेशा संभाषण होता है कि भूख लगी है तो मेरे शरीर को लगी है, मेरे मन को क्या है, मेरे मन का सिर्फ नर्मदा जी का अनुसंधान चलते रहना है। मैं अगर मेरे वेश की तरफ देखूंगा, देखो कैसे होता है कि शुरू में हम जब खुद यानी व्यक्ति करके हैं तो व्यक्ति को वेश है, लेकिन जब हम धीरे धीरे नर्मदामय होते जाते हैं तो नर्मदामय हमको फिर आजू बाजू में है यत्र तत्र सर्वत्र हमको नर्मदा ही दिखनी चाहिए। अगर मैं मेरे मन में कुछ आ रहा, हाँ मेरे मन में क्या आएगा, जो नर्मदा जी बोल रही है वो मेरे मन में आ सकता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं मेरा मन जलाऊंगा इसका मतलब मैं कहीं तो भी फिर से मेरा ध्यान हट गया। नर्मदा क्षेत्र में जब हम परिक्रमा कर रहे हैं या परिक्रमा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम जब जाते हैं, हम मंदिर में किस लिए जाते हैं, हम मंदिर में वहाँ की सजावट देखने नहीं जाते, सजावट तो एक पहला आकर्षण रहता है कि वह हम मंदिर में क्यों जाए, अरे नहीं नहीं उस मंदिर की सजावट बहुत बढ़िया है, लेकिन मंदिर की सजावट दिखते दिखते उस शिवलिंग पर जब हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है तो अंदर से जो कुछ उर्मी आती है, जो कुछ विचार मन में आते हैं वो बस कैलासमय विचार ही रहते हैं कि मेरे पड़ोस में शिव जी है और मेरे कानों में बात कर रहे हैं उस तक, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमने नमन किया। नमन का मतलब क्या हुआ, मेरे मन में अब कुछ नहीं, जो कुछ बोल रहा है वो तू बोल रहा है कि नहीं, तो हमारे यहाँ नर्मदा परिक्रमा में नमन अवस्था आवश्यक है। बाह्य वेश हो गया है कि नहीं, हमारा अंतर्वेश क्या है कि नहीं। अब ऐसा है, हम तो सर्वसामान्य यानी संसारी लोग हैं, नर्मदा परिक्रमा पहले मैं थोड़ा सा बात कर, नहीं कभी उदयन दादा आने तक थोड़ा सा विषय निकलना ही था, वैसे मैं ये अपना ये है उनसे बात करने वाला था, चलो लेकिन आपने ही विषय निकाला कि वहाँ नर्मदा परिक्रमा जब पहले चल रही थी तो नर्मदा परिक्रमा पहले तो साधुओं के लिए थे, लंगोट लगा के निकलते थे बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं, क्योंकि हम जितनी आवश्यकता बढ़ाएंगे उतने हम या जितने विचार करेंगे उतने हम अपने उपास्य से दूर जाते जाएंगे। अब नर्मदा जी की जो परिक्रमा हम करते हैं या नर्मदा परिक्रमा पहले साधुओं के लिए थी, हमारे लिए क्यों शुरू हुई, हमारे लिए नर्मदा परिक्रमा इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमारी संस्कृति बदलते जा रही है। भारत का जो अस्तित्व है, हिंदू धर्म का जो अस्तित्व है, हिंदू धर्म का अस्तित्व ये केवल संस्कृति के कारण है। कौन सी संस्कृति है, तो हिंदू धर्म का एक शब्द में अगर हम विचार करेंगे तो
तो मैं नहीं तू, ये हिंदू धर्म की व्याख्या है। मैं मेरा विचार नहीं करूंगा, मैं पहले सामने जो है उसका विचार करूंगा और उसके अनुकूल, यानी उसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, स्वहित दक्ष परहित तत्पर, यानी मैंने मेरा तो विचार करना ही है, लेकिन मेरा विचार करना ही है मेरा स्वार्थ हो गया। हाँ, मेरे जीवन जीने के लिए तो मुझे मेरा विचार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं मेरा ही विचार करूंगा तो समाज में मेरे जो आचरण रहेगा वो तो समाजानुकूल नहीं हो सकता, और जब तक मैं समाजानुकूल आचरण नहीं करूंगा, यानी इसके लिए मुझे कुछ मेरा अहमपन छोड़ना पड़ेगा। भाई सामने 100 रुपए पड़े हैं और हर किसी ने बोल दिया कि वो 100 रुपए मुझे ही मिलने चाहिए, तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो लेकिन मुझे आज अगर 1 रुपए में काम निपटा है तो मैंने 1 रुपया ही उठाना चाहिए। घर में अगर 5 रोटियां है तो हम 5 भाई के 1-1 रोटी ही खाएंगे, 4 रोटी का हमको त्याग करना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति हमें त्याग सिखाती है, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है, हम त्याग को छोड़ के भोग उपभोग उपभोग उपभोग, ये उपभोग या अंतिम अवस्था हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि हम जितने ज्यादा उपभोग करेंगे हमारा डिप्रेशन बढ़ते जाएगा। कहीं तो भी हमको रुकना पड़ेगा, कहीं कहीं कहाँ रुकना पड़ेगा, तो कहीं तो भी हम कहाँ रुके, इसके लिए हमको नर्मदा जी के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि नर्मदा जी के पास में क्या है, नर्मदा जी के पास में है विरक्ति, और विरक्ति हमारे मन में बसे बिना हम त्याग नहीं कर सकते, और त्याग की भावना हर किसी के मन में आए बिना हमारी भारतीय संस्कृति सुधर नहीं सकती। इसीलिए नर्मदा मैया ने जो हम सोच रहे हैं, हमको ऐसा लगता है अरे नर्मदा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने किताब लिख लिया, अरे नर्मदा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियो बना दिए, अरे नर्मदा क्षेत्र में हर कोई ट्रैवल एजेंसी निकाल के परिक्रमा करवा रहा, अरे भाई वो तो एक साधन है। सोशल मीडिया का आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया, ये चर्चा नहीं है, अब विषय चल रहा है, चलने दो, ये अपन आज का चर्चा चल रही है, अपन बाद में फोन पे बात करेंगे, अभी विषय निकला ही है, नहीं तो उदयनाथ दादा आचार्य आने तक थोड़ा विषय चला। सोशल मीडिया को तो सर वहाँ पर जहाँ तपस्वी है वहाँ पर सोशल मीडिया को बहुत कम कर देना चाहिए, आई थिंक, और मौन को साधना, और जैसे माँ का जल है ऐसे ही जो जाते हैं पर विषय अपना ऐसा चल रहा है कि नर्मदा के पास जी के पास में हम क्यों जाते हैं, तो नर्मदा जी के पास में हमको जाना है विरक्ति लेने के लिए, और विरक्ति और जब हम त्याग हमारे मन में धारण करते हैं तो भी उसी समय हम एक समाज करके ठीक ढंग से एक कहलवा सकते हैं। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है, और अध्यात्म का जो जो आधार है, अध्यात्म का आधार भी त्याग ही है। मुझे मेरे देह के देहों को धारण करने के लिए कुछ तो भी उपभोग लेना है, लेकिन कुछ उपभोग लेते समय मैंने कितना उपभोग लेना चाहिए, मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में वो भी, हाँ क्या हो गया है, मुझे जरूरत रहे न रहे मैं हर किसी का खींचते जा रहा, अब मैं संग्रह करूंगा तो कितना संग्रह करूंगा, है कि नहीं, ये संग्रह की भी एक मर्यादा है। आज हम देख रहे हैं कि इतने डॉक्टर बढ़ गए हैं, इसने अस्पताल बढ़ने हैं, इतने मानसोपचार तज्ञ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम खुश क्यों नहीं है, हम स्वस्थ क्यों नहीं है, कहीं तो भी हमारे मन पे आघात हुआ है। हमारे मन पे आघात क्यों होता है, हमारे मन पे आघात होता है पड़ोसी के घर में देखने के लिए, और एक ओनिडा टीवी की पहले एक विज्ञापन आता था कि नेबर्स ओनली ओनर्स प्राइड, है कि नहीं, हम संकल्पना क्या लिया है कि पड़ोसी पे हमको जलना है, अरे क्यों जलना है, लेकिन तेरे हिस्से का भगवान ने तुमको पहले ही दिया है, उसके हिस्से का भगवान ने उसको दिया है, उसके हिस्से पे तेरी जलन क्यों। हमारा पूरा जो चिंतन बदला है, ये हमारा चिंतन जो पड़ोसी पे जलन के कारण बदला है। हमारे संस्कृति में हमारे यहाँ क्या होता था, जो मराठी में हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में आजीबाई का बंटवारा रहता था, हमारी आजी रहती थी, उसके जो पात्र बोलते हैं साड़ी है, साड़ी के साथ में एक थैली रहती थी, उसमें एक लगभग 20-21 दवाइयाँ रहती थी, वो उठा के दे देते, हम स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन आज इतने अस्पताल खुलने के बावजूद और इतने सब यानी सुविधा होने के बावजूद हम शांत क्यों नहीं हो पाते, हम स्वस्थ क्यों नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं पे हमारे मन पे आघात है, हमारे मन पे आघात क्यों है, अरे ये मेरे से सुखी कैसा है,
वो एक विज्ञापन फिर चाहता था, विज्ञापन बताने का मुझे फिर से मोह हो रहा है कि वो एक मेरे ख्याल से रिंग का विज्ञापन था, भला इसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, लेकिन भला इसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। तो स्थिति ऐसी है कि भाई तेरे पास में जो है वो उतनी सफेदी तुझे मिल गई है, तो दूसरे पे जलन क्यों कर रहा है। अब आज की स्थिति ऐसी है कि आज तो हम सब क्या बोलते त्यागमय अवस्था छोड़ चुकने के कारण आज भला तेरी कमीज मेरे कमीज से काली कैसे है, यानी तेरे पास काला धन ज्यादा है और मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास काला धन ज्यादा क्यों नहीं। तो ये जो अस्पताल है, ये अस्पताल रह रही है, चल रहा है, ठीक है, सब यानी सुविधा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा अगर मन स्वस्थ रहता है तो हमारा मन स्वस्थ, हमारा तन भी स्वस्थ करेगा, और हमारा तन से अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो समाजानुकूल वातावरण है, हम जो अभी नर्मदा के उपासना मंडल में बोलते हैं ना कि हमको क्या करना है कि परिक्रमा तो हर कोई करने का विषय विचार करता है, लेकिन परिक्रमा पश्चात हमको क्या जीवन करना है। तो परिक्रमा पश्चात हमको, मैं जहां जहां जाऊंगा मेरे आचरण से मेरा जो अपन बोलते हैं ना मेरा औरा, अपना अपन किसी को देख के बहुत बार अपने को एक दूसरे के प्रति आत्मीयता लगती है, या कोई दूसरा एक आधा व्यक्ति घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति अपने घर में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये ऐसा जब लगता है तो उसके औरा और अपना औरा टकराता है, उसका वलय हमारा वलय टकराता है। तो हमारा वलय नर्मदा जी के सान्निध्य में, नर्मदा जी के चिंतन में, या हमारे यानी कुल देवता के चिंतन में इतना साफ रहे कि जहां भी जाए हमारा औरा हमारा वलय वहां एक पॉजिटिविटी निर्माण करे, वहां लगना चाहिए कि यहाँ कोई भी पुण्यवान व्यक्ति है उसके कारण यहाँ सब ठीक कर रहा है। तो इसीलिए नर्मदा परिक्रमा या नर्मदाष्टक उपासना मंडल में हम जो विषय निकालते हैं कि हमको क्या बनना है, तो हमको बनना है नर्मदा जी का दूत। अब नर्मदा जी का दूत कोई बैच लगा के नहीं कि वो छाती पे लगा दिया हाँ मैं नर्मदा दूत, नर्मदा दूत बैच पे लगाने से नर्मदा दूत बनेगा नहीं, नर्मदा दूत बनता है हमारे आचरण से। और हमारा आचरण कैसे होता है, बार बार हमने नर्मदा शहर नहीं बोला दूसरे को देख के तो भी चलेगा, लेकिन मैं जो जो काम कर रहा हूँ और मेरी नर्मदा माँ देख रही है, ये साक्षी भाव जब हमारे मन में जागरूक होगा, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा हम करते हैं तो एक जल उठाते हैं बाटली में, बाटली में जल क्यों उठाते हैं, क्योंकि हर समय हमको नर्मदा जी दिखेगी नहीं, क्योंकि शुरू में हर कैसे होता है कि हम हमारी भावना रहती है, हम सगुण उपासना वाले रहते हैं, तो सगुण उपासना में हमको हमारी देवता हमेशा आगे दिखनी चाहिए ऐसा लगता है हमको, तो इसलिए हम जल उठाते हैं कि जल हम जब हमारे पास में जल रहेगा तो जल के जल को देख के हम हमेशा नर्मदा जी आ जाएंगे, और हमको अपने मन को बताएंगे कि देखो यार तुम परिक्रमा में हो, तुम्हारा आचरण गलत है। तो ये परिक्रमा का जल हमने ओंकारेश्वर में फिर से जब ओंकारेश्वर जी पे ममलेश्वर जी पे चढ़ाया, उसके बाद वो ममलेश्वर को चढ़ाते समय ओंकारेश्वर जी को चढ़ाते समय हमारे मन में ये भावना उठती है अरे ये जल तो मैं मेरे आत्मलिंग पे चढ़ा रहा हूं। तो ये आत्मलिंग पे जब वो जल हम चढ़ाते हैं उस समय वो जल हमारे शरीर में प्रवेश करता है और खून बह के बन के दौड़ता है, और जब हम वो जल खून बन के बह के दौड़ता है तब हमको बाह्य रूप में नर्मदा जी देखने की जरूरत नहीं। यदि कर्म करो निरत अखिलम शंभो द्वारा, मेरी अवस्था क्या होनी चाहिए कि मैं जहां देखू वहां मुझे नर्मदा जी, हमारी मेरी दावना जी मेरी नर्मदा, ये विषय कोई किशोर को नहीं करने निकाला नहीं है, उसके लिए नर्मदा जी को नागदी में प्रकट होना पड़ा था, उसके लिए नर्मदा जी को किशोर कोनीकर को नागदी संगम की तरफ खींचना पड़ा था, उसके लिए वहां पर कार्यक्रम करवाना पड़ा था, उसके बाद में ध्यान आया कि अरे यहाँ तो पहले मैया प्रकट हो गई है मगर के रूप में, और उसके बाद में उसी स्थान पे हमने पूजा की, लेकिन हमको पता नहीं था। फिर ध्यान में आती है कि मैंने यज्ञ कर्म करूंगी तो अखिलम संबोध, हमारा भाव जब आप हर तरफ हम चलाएंगे, हिमाचल जी ने भी जो बोला है, बस हमको क्या करना है, हम क्या होता है कि हम नर्मदा बोले बराबर अमर कंटक से लेके रत्न सागर तक उतना ही भाग हमारे ध्यान में आता है, या फिर कहीं कहीं अपन उसको मूर्ति स्थापित होती है, अरे हाँ नर्मदा जी की याद, नर्मदा जी मूर्ति में भी है, नर्मदा जी भौतिक भी है, लेकिन नर्मदा जी का आवाहन हमने हर समय अगर करते हैं तो हमारे खुद में जब नर्मदा जी दौड़ रही है तो हमसे कुछ गलत काम हो नहीं सकता, और उस समय मैं यहाँ भी खड़ा रहता हूँ, मैं नर्मदा जी का दूध बना रहता हूँ, उस समय ये किशोर पौनीकर शब्द नहीं उच्चारता है, वो किशोर पौनीकर के आवाज में नर्मदा जी का ही बोला हुआ शब्द रहता है,
क्योंकि किशोर पवनीकर का जब हम यानी भाई मेरी बात ठीक कहना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी अनुभव बताता हूँ, तो किशोर पवनीकर जब बुद्धि से विचार करता है तो असम में चला जाता है सेवा के लिए, लेकिन ध्यान में जब आता है कि किशोर पवनीकर असम में टिकने वाला व्यक्ति नहीं है, ज्यादा चुलबुला है और ज्यादा चुलबुला अपन असम में चलेगा नहीं, मैया खींच के लाती है होशंगाबाद में और दूसरे दिन से अभियान शुरू हो जाता है कि होशंगाबाद में नर्मदापुरम करेंगे। अब ऐसा जब तक हम एक रूप नहीं होंगे, मैया हर किसी को उसके पिंड के अनुसार काम देती है। अब जब सीमा दीदी है तो सीमा दीदी नर्मदा पुत्री है तो नर्मदा क्षेत्र में ही काम कर सकती है। सीमा दीदी को नर्मदा क्षेत्र से बाहर निकालो, सीमा दीदी निष्प्रभ हो जाएगी। विष्णुवीर महाराज नर्मदा क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। उदयन आचार्य जी हर तरफ भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आपका जैसा जैसा पिंड है वैसा वैसा हमारी कुल देवता, हमारे गुरु, हमारी उपास्य देवता हमसे वो काम करवाते रहते हैं। इसीलिए मैं जो जो कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ, वो मेरा अगर साक्षी भाव जागृत रहता है तो साक्षी भाव ही हमको हमारे आचरण में शुद्धता लाएगा। और आचरण शुद्ध कैसा रहे, यही विचार हम हमारे नर्मदाष्टक उपासना मंडल में करते हैं। मुझे लगता है अब उदयन दादाजी को मैं फोन करके देखता हूँ तो थोड़ा सा रहा समय था और ऋतु राज दीदी ने थोड़ा सा विषय निकाल दिया तो कुछ मैंने भी मेरी विषय सामने सरका दिया। कुछ अगर ज्यादा बोल दिया हो तो थोड़ा सा माफ कर दीजिए। ऋतुराज दीदी आप माइक ऑन कर सकते हैं, आप माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सबने बहुत अच्छा बोला। सत्संग का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और दिल को बहुत ही अच्छा लगने वाला वातावरण मुझे आज मिला। सबकी वाणी की बहुत आभारी हूँ। ऐसा लग रहा था कि माँ नर्मदा मैया ही सब कुछ सब बोल रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा सबको। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। पूरे नर्मदा खंड में सिर्फ एक ही सरकार चलती है, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई नहीं, नर्मदा मैया की सरकार। वो चाहे तो आपको भोजन मिलेगा, वो चाहे तो आपको राजयोग मिलेगा, वो चाहे अगर उनका मन नहीं होगा तो वो आपको सिर्फ खिचड़ी पे ही रख देंगे आप। इसलिए कभी शिकायत किसी को भी किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर काम उनकी मर्जी से ही होता है। एक तपस्वी ने पूछा कि तुम मृत्यु के बाद क्या क्या वरण करना चाहोगे, कि भाई आज अभी इस शब्द के बाद मृत्यु में तो क्या वरण करना चाहोगे। तो ये जयन दादा जो कुलकर्णी है जलगांव के, उन जब से हाथ ऊपर कर रहे थे, जरा उनसे भी कुछ बात कर लेंगे। जयन दादा आ ही रहे थोड़े से कुलकर्णी होते आता एक मिनट एग्जिट झाले एक मिनट उदयन नहीं आले बाजू उदयन नहीं आले फोनवर मंगळवारी बंधनाते आपण काही बोलू शकता का बोलाचं वगैरे म्हटलं की मला खरंच जमत नाही हो बोलायला। ठीक आहे, पण इतके म्हणजे सीमाचं कार्य पण मी जवळजवळ 5-6 वर्षापासून बघते सगळीकडे, खूप चांगलं काम करते। किशोर भाऊ तुमचंही आहे, आता नवीन नवीन लोक पण नर्मदेकडे आकर्षित व्हायला लागले असं म्हणूया आपण, पण त्यांनी फक्त आकर्षित होऊ नका। मैयासाठी मैया आपल्यासाठी सर्व करते तर आपण मैयासाठी थोडस करावं। जसं कुंभेश्वरला छोटी पनवती मोठी पनवती आणि शनी महाराजांचं मंदिर आहे, तर अंधश्रद्धेमुळे तिथे आपले दर अमावस्येला लोक
वेड्यासारख्या चपला आणि कपडे सोडत असतात. आणि मग तिथे जागृती रवी सोमण म्हणून आहे, चंदूलाल महाराजांचा मुलगा, अरुण सोमण चंदूलाल महाराजांचा मुलगा, आणि त्यांची रवीची पत्नी जागृती, ती बिचारी प्रत्येक अमावस्येच्या दिवशी तिथे मैया काठावरती सकाळपासून उभी राहते की लोकांनी कपडे सोडू नये, तिथे चपला सोडू नये म्हणून नुसती सारखी बोलत असते. आणि लोकांनी चपला वगैरे सोडल्या की त्या लगेच ती बाजूला करत असते. दिवसभर मुलगी नर्मदा काठावरती उभी राहते आणि सगळ्या चपलांचा अक्षरशः ढीग होतो तिथे. आणि मग त्या चपला ती सांभाराकडनं दुरुस्त करून घ्यायच्या, लोकांना द्यायच्या, कपडे सोडलेले ते धुवून घ्यायचे, इस्त्री करायचे, ते लोकांना वाटायचे, असं ती ज्योती जागृती सारखं काम करत असते. आणि आता ओंकारेश्वरचे तर आपण रोजच बघतो की ते के एस पाटील काय किंवा अजय वर्मा वगैरे जी मुलं रोज रोज स्वच्छता करतायत आणि रोज रोज टणावरी कचरा निघतोय, म्हणजे काय बोलायचं या लोकांना. आता त्या भाऊनी सांगितलं तसं खरंच आहे, दिवे कशाला सोडायला पाहिजेत मैयामध्ये, तुम्ही किनाऱ्यावर लावा ना. एक तर ते प्लास्टिकच्या दिवे सोडता, किती प्रदूषण होतं. हे आता हाच प्रचार सगळीकडे करायला पाहिजे की मैयाला स्वच्छ ठेवा, मैयामध्ये कपडे सोडू नका. मैयामध्ये कपडे सोडल्याने तुमच्या पितरांना मुक्ती मिळणार नाहीये. ते कपडे तुम्ही जर गरीब लोकांना दिले तर त्याचा उपयोग होईल. हो, खूप अशी आहेत चुलपाणी झाडीमध्ये. आता आता पूर्वानंद वगैरे कपडे वाटायला गेलेत, पुस्तक वह्या. तुम्ही असं काहीतरी करा की ते मैयाला आणि मैयाच्या बालकांना लेकरांना उपयोगी पडेल, असं तुम्ही करा. एवढीच मात्र नर्मदे नर्मदे नर्मदे. नर्मदे हर गिरोज वंदनाताई कमी का बोलल्या? म्हणजे मला असं वाटलं होतं की बा वंदनाताईंनी कोणाला सपोर्टिव्ह बोलण्यापेक्षा स्वतःच तुमचा जो कोण आहे नर्मदा क्षेत्रात आपण अनेक वर्ष वावरत आहात. मी फक्त वावरते तो विषय आम्हाला अजून तरी काही खरंच नाही. कधी मी असं काही काम केलं मोरटक्क्याला आपल्या भगिनी पहिल्यांदाच संचलन करत आहेत. सीमा दीदी सुद्धा म्हणाल्या तर मी ज्यादा देर बात नाही करून घेऊ, थोडंसाही बोलून घेऊ. सीमा दीदी किमान 25 मिनिटं बोललेलं आहे. सीमाचं कार्य खरोखरीच खूप मोठं आहे. म्हणजे सीमा दीदी फोनवर सुद्धा इतकं चांगलं नाही बोलत, म्हणजे आज त्यांच्या अंगात अक्षरशः नर्मदा संचलन. किशोर दादा मैं आपको एक बात बोलू, अगर आप मुझे परिक्रमावासी और आश्रम के ऊपर बोलने को बोलेंगे ना तो मैं घंटों बोल सकती हूँ. सुनने वाला थक जाएगा लेकिन मैं नहीं थकूंगी. नर्मदा खंड के लिए तो मैं पूरे टाइम बात कर सकती हूँ आपसे. सीमा का ससुराल मुंबई है मगर वो हमेशा मुंबई में ही रहती है. थोड़ा एक विषांतर करू, विषांतर नहीं, अपना कार्यक्रम सुरूच है. बहुतेक विश्वास दादा तावसे आपल्या सोबत आहेत असं वाटतंय. विश्वास दादा तावसे यशस्वी ते आहात का? हो आहे.